हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिमिक्री। मैं हूं आशीष और हम बात करने वाले हैं अब साइशा गुप्ता की। फ्रेंड्स, साइशा गुप्ता आपको याद होगा SS2 में थी, सुपरस्टार सिंगर 2 में थी और शी वॉज इन द टीम ऑफ पवनदीप राजन। दोनों की इतनी क्यूट गुरु शिष्य की जोड़ी थी कि जैसे देखकर बड़ा मजा आता था। मतलब कहाँ वो एक टीचर, एक कैप्टन, एक दोस्त, एक प्यारे भैया बनकर पवनदीप उनके लिए, साइशा के लिए बन गए थे। ये वो चेंज होते हुए देखने में बड़ा मजा आया था। मैंने इनफैक्ट पवन से पूछा भी था कि साइशा की क्या खास बात आपको लगती है, तो तब उन्होंने कहा था कि साइशा बहुत खुले दिल से गाती है और इतनी मस्ती है उसकी आवाज़ में कि मुझे ऐसा लगा कि ये डेफिनेटली ये मेरे टीम में आएगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और वो मेरी टीम में आ भी गई। सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू नो हिज रिएक्शन फॉर साइशा। अब ऐसे में बात बात ये हुई है कि साइशा को ना पवनदीप राजन की याद आ गई है। आप बोलेंगे कि पवनदीप राजन की याद तो सबको आती रहती है तो ऐसी क्या खास बात है? वही तो खास बात है जो बताने के लिए आई हूँ आपको। फ्रेंड्स, साइशा गुप्ता ने अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले, कुछ घंटों पहले, अपने इंस्टा पर कुछ एक रील और कुछ एक वीडियो ऐसा अपलोड किया था जिसमें कि उन्होंने पवनदीप राजन को अपना गुरु बताते हुए गुरु पूर्णिमा की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी थी और उनका नमन किया था, उन्हें नमस्ते किया था, और इस तरीके से गुरु पूर्णिमा वो मना रही है। ओके, अब साथ ही में नीरज सर के भी पिक्चर्स हैं और मंगल सर के भी पिक्चर्स हैं। और मजे की बात पता है क्या है कि जितने भी वहाँ कैप्टन्स थे वो बिल्कुल नहीं भूली हैं उनको। छोटी सी बच्ची हैं लेकिन बहुत प्यारा सा पोस्ट उनका मुझे ये लगा है। इसमें अरुणिता को भी शामिल किया, टैग किया हुआ जो है, उसके बाद साइली को भी उन्होंने शामिल किया, दानिश इज ऑल्सो देयर। आई मीन इन सबको देख कर ना अच्छा लग रहा था कि एक छोटी सी बच्ची SS2 के जरिए कितनी सुंदर बात सीख कर गई है कि जब भी गुरु पूर्णिमा की बात आती है तो उसे अपने वो सारे कैप्टन्स गुरुओं की तरह दिखाई देने लग जाते हैं जिन्होंने उन्हें कहीं ना कहीं छोटा मोटा कहीं कुछ सिखा दिया होगा। पवन की तो सर्टनली उनकी टीम में ही थी तो वो ज़्यादा उनके बीच में प्यार और वो एक केयरिंग शेयरिंग वाली बात रही ही होगी। अब साथ ही SS2 के जो एक्चुअल गुरु हैं, सिर्फ SS2 क्यों, सारे गम अप्पा के भी गुरु हैं और साथ ही में वो इंडियन आइडल के भी गुरु हैं, यानी नीरज सर और मंगल सर, इनको भी टैग किया गया है तो मुझे वो देखकर अच्छा लग रहा था। और गुरु पूर्णिमा में सिर्फ वही नहीं है जिन्होंने टैग किया हो और गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं को याद करते हुए बिताई हो और इंस्टा पर शेयर किया है। मैंने वहाँ पर प्रत्यूष के भी इंस्टा पर देखा कि उन्होंने अपने गुरुओं को, नीरज सर का मैं पिक्चर देख रही थी और मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही मैं अंशु सोनकर जो कि सारेगामापा में नीरज सर के साथ थी, उन्होंने भी गुरु पूर्णिमा का उन्हें बधाइयाँ दी है, और अंजलि गायकवाड़ जो कि एक्चुअल में इतनी बिजी रहती है और इतनी नॉट सो इन न्यूज़ रहती हैं कि उनका ये पोस्ट देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अंजलि ने चलिए फाइनली कुछ तो कहा, कुछ तो बताया। बहुत गुणी कलाकार है अंजलि भी,
मुझे लगता है कि जिन लोगों के ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद होता है वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। और एक और बात भी है, जो गुरु होते हैं उन्हें भी इतने प्यार करने वाले जब शिष्य मिल जाते हैं तो उन्हें भी एक तरीके से अपने कम उम्र के लोगों की, बच्चों की, शिष्यों की दुआएं लगती है और उनकी भी प्रचीति और उनकी भी प्रसिद्धि और बढ़ती जाती है। मुझे ये साईशा का पोस्ट बहुत अच्छा लगा। आपने ये पोस्ट देखा है या नहीं देखा है? देखा या नहीं, जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।